महल्ले मौके जिथे देशों विदेशों तो संगत नतमस्तक होने लई श्री आनंदपुर साहब की पवित्र धरती से नतमस्तक होने लई आउंदियां ने उत्थे ही कुछ नौजवान आते हैं जो कि हुल्लड़बाजी करते हैं स्टंट तुसी तस्वीर अपने टीवी स्क्रीन पर वेख सकते हो कि किस तरह नौजवान ट्रैक्टर से उच्ची आवाज़ दे विच स्पीकर लाए हुए ने ते दरिया दे विच लगातार जो है ट्रैक्टर नू चलाउंदे ने पानी दे विच ट्रैक्टर चलाउंदे ने उच्ची आवाज़ा करके ट्रैक्टर दीआं ब्रेकां बहुत जोर जोर नाल लगा के ट्रैक्टर के टायरां विच धुएं कढ़दे ने स्टंट कर रहे ने नौजवान किते ना किते अपनी जान नू जोखम दे विच पा के जो है नौजवान अपना हुल्लड़बाजी करते हैं क्योंकि उन्होंने नाल कोई सत्कार योग बंदा नहीं है तो ना ही कोई समझदार बंदा है जिमें कि कोई परिवारक मैंबर नहीं है कोई क्योंकि ये सारे नौजवान इकट्ठे हो के किते ना किते इन्हों ज्ञान की कमी घट होने कारण ये स्टंट करते हैं जीपा ते आ रहे हैं सिलेंसर खुले छड़ के मोटरसाइकिलों ते पटाके चला रहे हैं। असी अपने चैनल माध्यम राही ये बेनती करना चाहते हैं कि ये हुल्लड़बाजी ना करन क्योंकि प्रशासन भी इन्हां नौजवानों ते नकेल नहीं कसदा नज़र आ रहा ते किते ना किते मूक दर्शक बनया होया है। अज फिर कल भी आपां गुजारिश कीती सी ते अज आपां फिर गुजारिश कर रहे हैं क्योंकि नौजवान लगातार अजिहा काम कर रहे ने घिनौनी हरकत कर रहे ने जिस कारण किसी वड्डे हादसा होने का डर है। सो साडे वालों बेनती की जाती है नौजवानों नूं कि होले महल्ले मौके आने वाले नौजवान किसी भी तरह की अणसुखावी घटना नूं अंजाम ना देण अजिहे स्टंट ना करन तां कि अपनी जान नूं जोखम विच ना पाया जा सके क्योंकि वह होले महल्ले के धार्मिक समागमों पर आए ने धार्मिक समागम के शिरकत करने लिए सतनाम वाहेगुरु का जाप ही जो है सब तो पवित्र ते शुद्धता वजो मनिया जाता है ते सतनाम वाहेगुरु का जाप करन ते गुरु घर दे विच नतमस्तक हो ना कि हुल्लड़बाजी करन। कैमरामैन जतिन कुमार के नाल चवेश लटावा श्री आनंदपुर साहब। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत महान पवित्र सिख धर्म के अंदर जो महान दिहाड़ा श्री होले महल्ले का है संगत वक् वक् तरीकों नाल लंगर की सेवा कर रही हैं कोई जोड़िया की सेवा कर रही हैं कोई बिस्तरिया सेवावान कर रही हैं कोई गठड़ी घर सेवावान कर रही हैं कोई संगतान को जड़ छका सेवावान कर रही हैं तो ये सेवावान करके गुरु कलगी धर्म महाराज जी खुशियां प्राप्त कर रही हैं। पर दूजे पास वेख्या जा रहा है कि कुछ नौजवानों वालों इस तरह की मेले में आके हुल्लड़बाजी की जाती है जिहड़ी साडी धर्म के उपर भी सवालिया चिन्ह खड़े करती है कि यह कौम दे विच कोई अनुशासन नहीं है कि यह कौम किसी धार्मिक लीडर की धार्मिक आगू की रहनमई थले चलन वाली नहीं है बेगुरी हुंदी जा रही है। इस करके ये बहुत वड्डी समस्या आने वाले समय च जे असीं नूं ठल ना पाई तो एक खतरनाक रूप धारण कर सकती है। मैं गुजारिश करांगा जिन्हें भी होले महल्ले ट्रैक्टर ट्रालियां आउंदियां है उन्होंने जोड़े बजुर्ग है सियाने बंदे है हर पिंड चो हर ट्रैक्टर ट्राली से पाँच सत्त जोड़े बंदे है वो सियाने आन इत रेसा ला के एक दूजे के बराबर भजाए जाते हैं कोई इतने मैं वेख्या वो रात को रेसा दे के डेक ला के तुम सुन वास्ते आए हैं। एक मैं पुरस ध्यान देव कुदरत ने प्रकृति ने परमेशर ने साडे शरीर को दो कन लाए एक मूंह लाया है वो एक संकेत है कि सानू शरी जिंदगी सुनना डबल चाहिए बोलना उदू अद्धा चाहिए लेकिन साढ़े च एक सब तो वड्डी जिहड़ी घाट पैदा हो रही है वो असी सुनते नहीं है लोगों सुनाउण दा यतन कर रहे हैं उची उची डेक ला के सवाए एक जड़ा है वो साउंड पोल्यूशन तो सवाए कुछ भी उहदा लाभ नहीं है। देखो तुसीं आए हैं तीन चार दिन इत्थे रहना है तुसी कोई सेवा करो सतनाम का जाप करो संगती रूप से बैठ के सुनो ढाडी लगे या कीर्तन दरबारा जाओ वो तुहाडे सवास जिथे तुसी पैसे नूं सफल किया इत्थे आके अपना डीजल फूक के उत्थे अपने सवासा नूं जिंदगी नूं सफला करो कोई इहदा लाभ तुहानूं मिल सके। इस तरह की हुल्लड़बाजी जिहड़ी है वो साडे लई भी खतरनाक है कौम लई ते उहनां परिवारां लई भी जिहड़ी है खतरनाक है। जे कोई अणसुखावी घटना वापरदी है तो ठीक है प्रशासन को भी बेनती है वो जी है जन सुखावी घटना वापरती उन्होंने परिवारों को घाटा पै जाता जो सदा पूरा नहीं होंगे ये दो चार मिनट की फुकरबाजी जो ये शोभा नहीं दिंदी तो प्रशासन को भी बेनती है। मैं हुण कीर्तपुर साहब तो आ रहा उ मेला मेला का इतने घट है उत्थे
नकियां टोल ते ज़्यादा लगा हुआ ट्रैक्टर भजे आ रेसा दे के पानी छुट्टी जाते हैं बहुत अफसोस आता है इस गल से ये प्रशासन भी इतने नकेल कसनी चाहिए है तो न करते जो बच्चे आ रहे उन्होंने घरद्यान भी चाहिए भी अपने बच्चों के नाल जरूर आओ अपने बच्चों गुरमत सिखाओ अपने बच्चों गुरु घर के श्रद्धालु बनाओ। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू।